बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं गुआकामोली। तो हम आपको बहुत ही मज़ेदार गुआकामोली कैसे बनाई जाती है, चलो शुरू करते हैं। तो 3 अदद मैंने ले लिए अवाकाडोज़, ब्राउन वाले पक्के ले लें, और उसको ऊपर से छील के एक पार्ट में डाल लें। ये हाफ ओनियन है, मीडियम साइज़ का है, वो हाफ है, छोटा छोटा काट लिया, इस तरह इसको काट ले वो रेड वाला। और ये जैलापीनो मरच है, इसको भी छोटा छोटा काट ले, और लेमन या लाइम वो भी इसके लिए चाहिए। टमाटर वो भी छोटा छोटा काट लें, उसके बीज नहीं इसमें डाल रहे। साल्ट, काली मिर्च पाउडर, ऑनियन पाउडर्स और सब्ज़ धनिया जो है वो भी छोटा छोटा काट लें बारीक। तो सबसे पहले हम इसको मैश कर लें एवोकाडो को अच्छे तरीके, पक्के से लेने हैं आपने, पक्के वाले तो मैश कर लें, चम्मच के साथ कर लें या दूसरे उसके साथ कर लें आपने, मैश अच्छी तरह कर लें इसको। तो बहुत ही मज़ेदार गुआकामोली जो है ना वो तैयार होगी, इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। बनाइएगा और चिप्स के साथ ट्राई करें, या टैको के साथ भी आप वो ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है ना इसका टेस्ट होता है। तो देख लें कैसे इसको बनाना है, वेरी इजी है इसका तरीका, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया, मैश हो गया ये अवाकाडोज़। और अब हम उसके बाद जनाब इसमें टमाटर डाल लेंगे, छोटे छोटे काटने हैं, वो बीज इसमें जो है ना टमाटर के वो नहीं आपने डालने। तो उसके बाद जो है प्याज है सुरख, वो छोटा छोटा काटा हुआ है, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लें, यानी कि वन बाय वन करके जो सारी चीज़ें हैं वो हम अब इसके अंदर डाल लेंगे। तो जलापीनो, हेलापीनो भी इसको बोलते हैं, ये भी छोटी छोटी काटी हुई है, और लाइम या लेमन जो भी मिल जाए उसको ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। अगर छोटे हैं तो वो दो डाल लें, बड़ा लेमन है तो वो हाफ जो है या एक जो है वो इसके अंदर डाल लें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें एक दफ़ा, ये जी कितनी चीज़ें हैं सारी, अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स करना है हमने। तो बहुत इंशाल्लाह चिप्स के साथ, नेचो चिप्स होते हैं उसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं, या जो मैंने आपको बोला वो पहले टैकोस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। साल्ट जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है हाफ चम्मच डाल लें, अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है आपने। तो पेपर पाउडर है वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, वैसे इसके अंदर जो है ना ऑनियन पाउडर थोड़ा सा डालें। साल्ट जो है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा जो हो, तो फिर उसके साथ इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन रेडी हो गया, टेस्ट चेक कर लें थोड़ा सा, और इसके अलावा आप इसमें ऐड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा वो डाल लें, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो बताइएगा ज़रूर आपकी ये जो है रेसिपी आपको कैसी लगी, और बताए बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी गुआकामोली जो है वो कैसी जो है आपको लगी, इसका टेस्ट कैसा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर। तो इंशाल्लाह अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने नहीं किया। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ। ये देखें बहुत अच्छी मज़ेदार हमारी गुआकामोली तैयार है। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।